नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे हिंदी भाषा शिक्षण को। तो भाषा शिक्षण में कल की क्लास में अपनों ने उपागमों को कंप्लीट करते हुए भाषा दक्षता का विकास नामक टॉपिक को शुरू किया था। और आपको मैं बता देती हूँ कि सिलेबस को अपन कंटिन्यू लेकर चल रहे हैं। और सिलेबस में भाषा के उपागमों के ठीक बाद भाषा दक्षता का विकास टॉपिक दिया गया है। तो भाषा दक्षता के विकास में कल की क्लास में अपनों ने अर्थ देख लिया, परिभाषा देख ली, भाषा दक्षता के अनेक मनोवैज्ञानिक घटकों का अध्ययन भी कर लिया था। बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में अपन भाषा दक्षता के विकास के विभिन्न तत्वों का अध्ययन करने वाले हैं। तो भाषा दक्षता का विकास टॉपिक ये है। और भाषा दक्षता में भाषा दक्षता के विकास के तत्वों का अध्ययन अपन कर रहे हैं। तो भाषा दक्षता के विकास के तत्व, सबसे पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, बालक भाषा दक्षता प्राप्त करने की शक्ति जन्म से लेकर आता है। ये एक प्राकृतिक पावर होती है, नेचुरल पावर होती है। हमारे पास एक प्राकृतिक रूप से ही एक क्षमता होती है जिसके माध्यम से अपन भाषा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर अपनों ने देखा कि भाषा दक्षता विकास के तत्व। तो भाषा दक्षता के विकास के तत्वों की यदि अपन बात करें तो देखिए, एक बालक जो है, मैंने अभी आपको बताया कि एक बालक भाषा को अर्जित करने की शक्ति लेकर आता है। अपन यूं कह सकते हैं कि जो भाषा दक्षता के विकास की शक्ति लेकर जन्म लेता है। बालक जो भाषा अर्जित करने की पावर जो है वो क्या करता है, लेकर आता है। और ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है, मनोवैज्ञानिक तथ्य भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, ऐसा कहा जाता है कि मनोविज्ञान के जो विभिन्न सिद्धांत है उन सिद्धांतों में भी यह बताया जाता है कि व्यक्ति में जन्मजात प्रतिभा होती है भाषा सीखने की। तो कुछ लोग हैं जो अनुकरण का विरोध करते हैं और यूं कहते हैं कि व्यक्ति में ये पावर होती है जिसके द्वारा वह ये इस चीज को या भाषा को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो एक बालक भाषा को अर्जित करने की शक्ति जो है वो लेकर जन्म लेता है। इसके साथ साथ अपन यूं कह सकते हैं कि भाई, भाषा सीखने की जो सभी विशेषताएं हैं, या अपन यूं कह सकते हैं भाषा शिक्षण की सभी व्यवस्थाएं, भाषा शिक्षण की सभी व्यवस्थाएं जो है वो बालक में प्राकृतिक रूप से होती है। तो भाषा शिक्षण की सभी व्यवस्थाएं बालक में प्राकृतिक रूप से होती है। अब प्राकृतिक रूप से होती है का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि नेचुरल तरीके से सब लोगों में, जो सभी के सभी बच्चे जन्म लेते हैं, उनमें नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से ही बालक में इस प्रकार की पावर होती है। अगर कोई बालक ऐसा है जिसको कोई सिखा नहीं रहा है तो भी वह सुनते हुए, समझते हुए, देखते हुए और क्या कर लेता है कि भाषा के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो अपन यूं भी कह सकते हैं कि बालक दृश्य, श्रव्य के माध्यम से, बालक देखता है, सुनता है,
क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए भाषा विकास करता है। यहां पर अपन ये भी कह सकते हैं कि बालक है वो इस प्रकार के योग्यता का निर्माण कर सकता है। तो अपन बात कर रहे हैं भाषा दक्षता के विभिन्न तत्वों की। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन यूं कह सकते हैं कि एक बालक जन्मजात भाषा अर्जित करने की पावर लेकर आता है। एक जो सभी व्यवस्थाएं हैं वो बालक के मन व मस्तिष्क में पहले से होती है। इस प्रकार की योग्यता बालक में पहले से होती है। बालक क्या करता है, दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से जैसे ही किसी नए शब्द को सुनता है, किसी नई वस्तु को देखता है, तो उसके मन में एक प्रकार की जिज्ञासा आती है कि ये है क्या, ये कार्य कैसे करती है। तो वह बालक है वो उससे संबंधित ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे कि जो बालक क्या करता है, दक्षता का विकास कर लेता है। और ये जो क्रिया प्रतिक्रिया है ना, ये भी उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती है। बालक की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उसकी समझ विकसित होगी, और जैसे जैसे उसकी समझ विकसित होगी वैसे वैसे वह क्या करेगा, इन भाषा संबंधी क्रिया प्रतिक्रियाओं की जो मात्रा है वो बढ़ा देगा। देखिए, सबसे पहले तो अपन यूं कह सकते हैं कि बालक जो है, बालक आयु बढ़ने के साथ, आयु बढ़ने के साथ साथ क्रिया प्रतिक्रिया भी करता जाता है। एक चीज तो ये हो गई, क्रिया प्रतिक्रिया करता जाता है। वो करता कैसे है, मस्तिष्क की सहायता से। जब बहुत छोटा बालक होता है तब बहुत छोटे बालक के लिए तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि वो सोचने समझने की इतनी ज्यादा शक्ति नहीं रखता या फिर अमूर्त विचारों के बारे में वो समझ नहीं पाता। परंतु जैसे जैसे आयु बढ़ती है क्रिया प्रतिक्रिया करता है, और क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए बालक क्या करता है, बालक उन क्रिया प्रतिक्रियाओं के माध्यम से मस्तिष्क में एक विचार करता है, और उस विचार की सहायता से वह क्या कर लेता है, एक नियम की खोज कर लेता है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि बालक क्रिया के दौरान, बालक क्रिया के दौरान क्या करता है, बालक क्रिया के दौरान मस्तिष्क की सहायता से क्रिया प्रतिक्रिया के दौरान वो मस्तिष्क की सहायता लेता है, और मस्तिष्क की सहायता से वह सहायता से नियमों की खोज करता है। ये लीजिए, तो यहां पर अपनों ने दो चीजें देखी। नियमों की खोज का मतलब है कि देखिए, अपनों ने देखा, अपनों ने बालक है वो बार बार पढ़ रहा है, ए के साथ ए जुड़ा तो आ बना, ए के साथ ए जुड़ा आ बना, हर जगह देख रहा है। फिर उसके सामने जो वर्ण है वो आ जाते हैं ई ई उ, इस प्रकार के ये वर्ण भी इसके सामने आ जाते हैं। अब जैसे वो इनको देखेगा तो वो यूं समझेगा कि ए और ए का आ बनता है, तो क्या ई और ई मिलकर बड़ा ई बन जाएंगे, क्या ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाएंगे। तो इस प्रकार से वह इनके मध्य जो सामान्य नियम है इसको और इसको देखते हुए इनके मध्य जो सामान्य नियम है ना, उनकी
खोज कर लेता है और उन नियमों के बाद या उन नियमों के साथ वह आगे शिक्षण करता है। तो इसलिए बालक में क्षमता विकसित हो जाती है और बालक निरंतर सीखता जाता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। देखिए हाँ, बालक जिन जिन चीजों को देखेगा, जिन जिन वस्तुओं को स्पर्श करेगा, वहां पर वह क्या करेगा, उसी प्रकार से अनेक क्रियाएं करता जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अपन यूं कह सकते हैं कि बालक है वो जैसे जैसे नवीन वस्तुओं को देखता या देखता है या परिचित होता है। यहां पर अपन किसकी बात कर रहे हैं, नवीन की, परिचित होता जाता है। तो जैसे जैसे वस्तुओं को देखता है या परिचित होता जाता है वैसे वैसे वह अनेक क्रियाएं करता जाता है। मान लीजिए बालक के समक्ष कुछ भी ऐसी वस्तु आई है जिसकी तरफ उसने ध्यान नहीं दिया, तो उसका परिचय नहीं हुआ उससे। जैसे मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति से मिले, ठीक है, वो व्यक्ति जो है वो कोई आपको अनजान लग रहा था, आप उसे जानते तक नहीं है और आपने उससे बात भी नहीं की। आप चलते जा रहे हैं, आप चले गए, वहां पर आप कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। परंतु यदि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति आप देखते हैं और जैसे उसे देखते हैं तो आप वहां पर उससे परिचय प्राप्त कर लेते हैं, यानी उसके साथ परिचय कर लेते हैं। तो जैसे ही आपने परिचय किया ना बालक के साथ, वैसे वैसे आप अनेक क्रियाएं करोगे। यानी उसके व्यक्ति का परिचय हो गया तो कहीं भी, अब मान लीजिए कि दो महिलाएं बैठी है बस में कहीं जा रही है, हमारा डिपार्टमेंट है ये, हम बस में भी अगर कोई पास में बैठा है तो उससे रिश्तेदारी निकाल लेते हैं। अब एक दो महिलाएं पास में बैठी है, अब दो महिलाओं से एक ने पूछा कि तू कहां से है, मैं हनुमानगढ़ में नोहर से हूं। अच्छा तू कहां से है, मैं झुंझुनू से हूं। अरे झुंझुनू से, झुंझुनू तो मेरी सास की बहन की बेटी की ननद ब्याही हुई है, यानी अरे अच्छा किसके घर पे, अब सास की बहू की, मतलब इतना लंबा रिश्ता। परंतु फिर भी वो पूछेगा अच्छा किसके, उनके भाई नाम तो मुझे याद नहीं, फिर वो नाम तक पूछने का प्रयास करेगी, कास्ट तक पूछने का, अपने किसी रिश्तेदार को जिन जो उनकी कास्ट नाम सब जानते हैं उनको फोन तक करके उनसे उन बातों को पूछने का प्रयास करेगी कि भाई वो उनकी नाम क्या है, उनकी जात क्या है। हालांकि उससे कोई मतलब नहीं होता, नहीं, बहुत से काम हम बिना मतलब के करते हैं और खास तौर से वो काम तो अपने को करने ही करने चाहिए जो हमारे डिपार्टमेंट के हैं, और ये महिला जाति की डिपार्टमेंट का है और हम बखूबी अपने कार्यों का निर्वाह करते हैं। तो देखिए बालक क्या करेगा, जैसे जैसे नवीन वस्तुओं को देखेगा, उनसे परिचित होगा, तो वह अनेक प्रकार की क्रियाएं करेगा और जैसे जैसे वो उनके प्रति क्रियाएं करेगा वैसे वैसे उसके मस्तिष्क में उससे संबंधित बिंब बनता जाएगा, एक चित्र बनता जाएगा। कैसे, अब मान लीजिए कि आपने एक व्यक्ति से बात की, उस व्यक्ति से आप इम्प्रेस हुए, आप प्रभावित हुए, तो आप उसका एक चित्र मन में बना लेंगे कि यह एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, यह बहुत सीधा व्यक्ति है, या यह बहुत एक्टिव है, या ये बहुत चालाक है, या ये बहुत
प्रतिभाशाली है। तो इस प्रकार के आप है वो अनेक बिंब बना लेंगे। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि नवीन परिस्थितियों के प्रति बालक है वो क्या करता है, अनेक क्रियाएं करता है, और क्रियाएं करता हुआ बालक उस वस्तु विशेष से संबंधित अपने मस्तिष्क में बिंब बना लेगा। तो क्रियाएं करता हुआ बालक उस वस्तु विशेष से संबंधित बिंब का निर्माण कर लेता है। ये लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपन आगे और इसमें कौन कौन सी चीजें हो सकती है। देखिए, अब यहां पर अपन जो आ गए भाषा तत्वों के विकास में या भाषा दक्षता के विकास के तत्वों में, अपन आगे कहां पर बिंब पर है। और आपको मैं बता देती हूं कि अपन जिस प्रकार का बिंब किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में बना लेते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। क्यों? क्योंकि अपनों ने जैसा बिंब बनाया है अपन उसके बारे में उसी प्रकार की मानसिकता बना लेते हैं। अगर एक बार अपनों ने किसी व्यक्ति के बारे में बहुत अच्छी छवि बना ली तो वो अंत तक अच्छी रहेगी। कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेस इज लास्ट इम्प्रेस। तो वो किस आधार पर कहा जाता है? इसी आधार पर कहा जाता है कि आपने पहली बार किसी के हृदय पर छाप छोड़ दी तो वह अंत तक बनी रहेगी। तो यहां पर अपन ये भी कह सकते हैं कि ये जो बिंब है ये भाषा दक्षता के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी नया टॉपिक शुरू किया है, ठीक है, अब नया जो टॉपिक शुरू किया है, नया जो प्रसंग आप पढ़ने जा रहे हैं, उस प्रसंग से संबंधित आप अनेक प्रकार की क्रियाएं करेंगे, अनेक प्रकार की क्रियाएं करेंगे, और अनेक प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया के साथ साथ आप नियम बनाते जाएंगे कि हाँ, इसको इस चीज से अपन रिलेट कर सकते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि काफी बार आप हिंदी से संबंधित जो है वो कुछ रचनाओं को, कुछ कवियों के नाम याद करने को, या फिर मैथ से संबंधित कोई सूत्र याद कर रहे हो, सोशल साइंस से संबंधित किसी भी लेखक या उसके विचारों का अध्ययन कर रहे हो, तो यदि आपको उससे संबंधित अध्ययन करना है तो आप क्या करेंगे, एक दो बार तो रट्टा लगाने का प्रयास करेंगे, फिर उन दोनों को आपस में जोड़ने का प्रयास करेंगे कि हाँ, इसके संबंध में ये बात कॉमन है, इसके संबंध में ये बात अलग सी है, तो उन अलग सी बातों की और उनका मस्तिष्क में चित्र बना लेंगे। और वो जो चित्र बनाया ना, वो आपकी भाषा दक्षता का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। कैसे महत्वपूर्ण योगदान देगा? क्योंकि वो मस्तिष्क में चित्र है ना, वो हमेशा के लिए रह जाएगा। तो यहां तक का ज्ञान आप कंप्लीट कर चुके होंगे और उसके बाद उससे आगे की चीजें आप सीखने के लिए तत्पर होंगे। तो यहां पर अपन ये चीज भी कह सकते हैं कि भाषा दक्षता के विकास में बिंबों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो बिंबों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो भाषा दक्षता में कौन कौन से बिंब माने गए हैं, किस किस प्रकार के बिंब माने गए हैं, अब अपन वही चीज देखने वाले हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। अब अपन बात करेंगे बिंबों की। तो कौन कौन से बिंब यहां पर माने जा सकते हैं, किस
क्षेत्र में भाषा दक्षता के विकास में। देखिए, बिंबों का निर्माण एवं उनकी भूमिका। बिंबों का निर्माण एवं भूमिका, तो देखिए अपनों ने देखा कि किसी भी वस्तु से संबंधित अपन अगर मस्तिष्क में उसका ढांचा बना लेते हैं, उसका बिंब बना लेते हैं, तो उससे आगे की चीजें सीखने में अपने को बड़ी आसानी रहती है। तो ये जो बिंब है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, यदि अपन बात करें कि भाई बिंब कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो ये जो मुख्यतः है वो चार प्रकार के माने जा सकते हैं। कौन से? श्रव्य बिंब, उसके बाद दृश्य बिंब, उसके बाद विचार बिंब, और उसके बाद भाव बिंब। ये चार प्रकार के बिंब माने गए हैं जिनमें अपन श्रव्य, दृश्य, विचार व बिंब को शामिल कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर आप इन बिंबों को नोट कीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए जहां पर अपन बिंबों के निर्माण एवं उनकी भूमिका की बात करते हैं कि बिंब कैसे निर्मित होते हैं और उनकी क्या भूमिका रहती है, तो सबसे पहले तो यदि अपन श्रव्य बिंब की बात करें तो श्रव्य किससे संबंधित होता है? सुनने से संबंधित। तो अपन ने किसी भी अवधारणा को सुनकर उससे संबंधित यदि बिंब निर्माण करते हैं, उससे संबंधित कोई भी चित्र निर्माण करते हैं, तो वहां पर श्रव्य बिंब माना जा सकता है। इसके साथ साथ यदि अपन किसी भी वस्तु को, किसी भी चित्र को, किसी भी प्रसंग को, किसी भी व्यक्ति को देखकर उससे संबंधित बिंब का निर्माण करते हैं, तो वहां पर कौन सा बिंब हो जाता है? दृश्य बिंब हो जाता है। विचार, देखिए काफी बार ये दोनों चीजें आप अच्छे से समझिए, भाव एवं विचार। काफी बार ऐसा होता है कि अपन है वो भावुक होकर निर्णय लेते हैं और कभी कभार सोच समझकर। ये काफी बार व्यक्ति विशेष पर भी, व्यक्ति विशेष से संबंधित भी होता है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके घर के लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, वो आपको कुछ भी कहते हैं तो आप भावुक होकर निर्णय ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ आपका बड़ा अच्छा रिलेशन होता है, तो उस रिलेशन के आधार पर आप भावुक होकर एक निर्णय ले सकते हैं। परंतु यदि आप किसी भी व्यक्ति को जानते नहीं है और मान लीजिए कि उस व्यक्ति को आप पहली बार देख रहे हैं, तो आपके लिए उस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। फिर आप यूं ही कहते हैं, आपने सुना है ना ऐसे कहते हुए कि भाई सोचेंगे, विचारेंगे। वो सोचना विचारना किसके अंतर्गत आता है? इसके अंतर्गत। जब आप किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को पहली बार देख रहे हैं और उससे संबंधित आप भावुक होकर निर्णय नहीं लेते हैं, तो कौन सा बिंब प्रभावी होता है? विचार बिंब प्रभावित होता है। उसके बाद अगर भाव बिंब की बात करें तो वही भावुकता हो जाती है। तो इसके साथ ही अब अपन एक एक करके इन चीजों को देखेंगे। अब अपन इन बिंबों को एक एक करके देखेंगे। देखिए सबसे पहले यदि अपन बात करें दृश्य बिंब की, दृश्य बिंब जो है देखने से संबंधित होता है, इसको चाक्षुक बिंब भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि चक्षु किसे कहते हैं? आंखों को कहते हैं। तो आंखों से संबंधित यानी देखने से संबंधित होने के कारण इसे चाक्षुष भी कहा जाता है, चाक्षुष या चाक्षुक बिंब कह सकते हैं। व्यक्ति वही बात, किसी भी व्यक्ति या वस्तु विशेष को देखता है
और देखकर उसकी अपनी आंखों में एक छवि बना लेता है। तो वह किसी भी व्यक्ति विशेष को देखकर उससे संबंधित जो अपने मस्तिष्क में छवि का निर्माण करता है, अपने मस्तिष्क में चित्र अंकित करता है, उसी को ही अपन किसमें शामिल कर लेते हैं, चाक्षुष में। तो यहां पर अपन देखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंधित उसे देखकर अपने मस्तिष्क में चित्र अंकित कर लेता है। कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को देखकर अपने मस्तिष्क में चित्र अंकित कर लेता है, ठीक है। तो अब उसने चित्र अंकित कर लिया, उसने चित्र बना लिया, ठीक है। बाद में कभी बहुत समय बाद जब वह उसको देखेगा, पहले वाला चित्र सक्रिय हो जाएगा। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि तत्पश्चात कभी भी वह उस चित्र को देखता है तो कभी भी वह उस चित्र को देखता है तो क्या करेगा, मस्तिष्क में पहले से बना चित्र, यहां लिख देते हैं, मस्तिष्क में पहले से बना चित्र सक्रिय हो जाता है। ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक दो चीज और अपने देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसके द्वारा व्यक्ति जो मस्तिष्क में चित्र बनाता है, तो पहले व्यक्ति ने चित्र बनाया, उसके बाद जैसे ही दोबारा वह देखेगा तो पहले वाला चित्र सक्रिय हो जाएगा, यानी उसे याद हो जाएगा। तो यह जो है वो उसके मस्तिष्क में, यह उसके मस्तिष्क पटल पर अंकित हो जाएगा, यह उसके मस्तिष्क पर अंकित हो जाएगा, जिसे चित्र बिंब भी कह सकते हैं। ये लीजिए, जो दृश्य बिंब है, जो चाक्षुष बिंब है, उसको चित्र बिंब भी कहा जा सकता है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये जो बिंब जितने भी बनते हैं, चाहे वो दृश्य बने, चाहे वो विचार बिंब बने, चाहे वो भाव बिंब बने, उनमें अगर सबसे पहले बिंब की बात करें तो वो दृश्य बिंब ही होता है। तो यहाँ पर अपन यूं कह सकते हैं कि यह प्रथम बिंब कहा जा सकता है। ये लीजिए, ये है दृश्य बिंब, चाक्षुष बिंब। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें अपनों ने देखा कि एक बार व्यक्ति किसी वस्तु को देखेगा, उसके संबंध में चित्र बना लेगा, बाद में जब भी कभी देखेगा
उसको पहले वाला चित्र याद हो जाएगा, जैसे ही याद होगा उसके मस्तिष्क पटल पर वो अंकित हो जाएगा, और अंकित हो जाएगा तो उसका वह चित्र हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगा। तो इसीलिए उसे चित्र बिंब भी कहते हैं, और ये प्रथम बिंब है, महत्वपूर्ण बिंब भी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास में अपनों ने ये जो बिंब शुरू किए या फिर भाषा दक्षता के जो तत्व पढ़े वो आपको समझ भी आए होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।